हेलो चिल्ड्रन, आज हम एनवायरमेंटल साइंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रिवर पर बात करने वाले हैं। तो आप सब भी तैयार हो जाइए और सोचिए रिवर कहाँ कहाँ देखी, कैसी कैसी होती है, कैसे बनती है। तो चलते हैं। बताइए बच्चों, नदी किसे कहते हैं? नदी एक प्रकृति द्वारा विकसित परिमार्जित मार्ग पर बहते हुए पानी की अविरल धारा होती है और इसे ही नदी कहते हैं। ये पहाड़ों की ओर किस प्रकार नदियाँ जन्म लेती हैं? बच्चों, पहाड़ों पर बहुत अधिक मात्रा में स्नोफॉल होता है और वो प्लफी क्रिस्टल स्नो धीरे धीरे हार्ड होने लगती है और आइस पैलेट का रूप ले लेती है। इस तरह से ग्लेशियर्स बन जाते हैं और जब वो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं, यानी कि बर्फ पिघलती है, तो वो नदियों के रूप में बहना शुरू कर देती है। इस प्रकार नदियों के जन्म का मुख्य स्रोत ग्लेशियर्स को माना जाता है। ग्लेशियर की भांति नदियों का मुख्य स्रोत वर्षा ऋतु भी है। जब वर्षा होती है तो उसका जल हमारी नदियों में बहता है और ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं और उसके साथ ही सूख जाती हैं। तो इस प्रकार वर्षा का जल नदियों का मुख्य स्रोत कहलाता है। झीलें भी नदियों के स्रोत के रूप में देखी जाती हैं। बचपन में एक सवाल मुझे बहुत परेशान करता था कि आखिर ये नदियाँ कैसे बहती हैं, कैसे अपना रास्ता ढूंढती हैं। तो बच्चों, इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण और दूसरा ढाल का बहाव, यानी कि ढाल के सहारे नदियाँ अपनी रास्ते को बनाती जाती हैं और उसी रास्ते पर नदी अपना रूप लेती जाती है। कहीं नदी बहुत तेज़ बहाव में बह रही होती है और कहीं वो एकदम शांत नज़र आती है। नदी का बहाव कभी तेज़, कभी हल्का, कभी धीमा, कभी शांत, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती। नदी लगातार निरंतर बहती रहती है। जैसे नदियों का एक स्रोत होता है, उसी प्रकार से उसका एक निकास भी होता है। तो इस प्रकार नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं, तो कुछ नदियाँ महासागर यानी ओशन में आकर मिल जाती हैं। तो आज हमने जाना कि नदियाँ एक बहते हुए पानी की ऐसी अविरल धारा है जिसके कुछ स्रोत होते हैं तो कुछ निकास होते हैं। यानी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में आके मिल जाती हैं, बड़ी नदियाँ कुछ झील में, कुछ समुद्र में, तो कुछ महासागर में आकर मिल जाती हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली नदी हम देखने जा रहे हैं, तो पहली नदी आप देख रहे हो अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर अलकापुरी स्थित, अलकापुरी एक जगह है, वहाँ स्थित संतोपत शिखर के हिमनद और संतोपत ताल से, हिमनद बच्चों ग्लेशियर्स को कहते हैं जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, तो हिमनद और संतोपत ताल से निकलती हैं। शुरुआत में इसको विष्णु गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा, पिंडर, नबालिका हैं। अगली नदी बहुत ही पवित्र नदी हमारी भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। यह भी ग्लेशियर से ही निकलती है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, जिसके बाद इसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है, अर्थात ये गंगा के नाम से आगे की ओर पहचानी जाती है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा नदी को बनाते हैं। तो अब अगली नदी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिवर आप देख रहे हैं विलांगना रिवर। विलांगना रिवर क्या है? विलांगना रिवर उत्तराखंड में विलांगना नदी भारत की भागीरथी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो गंगा नदी की स्रोत धारा है। इस नदी की लंबाई 80 किलोमीटर है और विलांगना नदी खतलिंग ग्लेशियर के तल से निकलती है जो समुद्र तल से लगभग 12,195 फीट की ऊंचाई पर 3,717 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमारी अगली रिवर है धौली गंगा रिवर। कुमाऊँ और गढ़वाल
दोनों ही मंडलों में धौली गंगा रिवर मिलती है और इसीलिए यहाँ पर धौली गंगा रिवर गढ़वाल के बारे में हम जान रहे हैं। धौली गंगा, जिसे धौली नदी के नाम से जाना जाता है, पवित्र गंगा नदी की 6 स्रोत धाराओं में से एक है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में धौली गंगा निकलती है। अगला पिक्चर आप देख रहे हैं धौली गंगा रिवर कुमाऊं। अभी हम मंडल के आधार पर धौली गंगा गढ़वाल के बारे में जाना। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में धौली गंगा नदी गोवन खाना हिमानी से निकलती है। गोवन खाना एक ग्लेशियर का नाम है। गोवन खाना जो वहाँ पे ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और तवाधार में मौजूद है। कुमाऊं की धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तवा घाट में काली नदी में मिलती है, जिसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस पिक्चर को तो आपने देखकर पहचान ही लिया होगा, क्योंकि यह हमारी बहुत फेमस जगह हरिद्वार की है। यहाँ कौन सी रिवर बहती है? गंगा नदी। गंगा नदी, जिसे गंगा भी कहा जाता है, देवप्रयाग से निकलती है और उत्तराखंड में हरिद्वार में मौजूद है। गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर, संतोपद ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर और नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, नंदाकोट और कामेट की बर्फ़ से ढकी चोटियों का पिघला हुआ पानी है। गंगा नदी पवित्र नदियों भागीरथी और अलकनंदा के संगम से शुरू होती है। गोला रिवर, इसका नाम तो बच्चों आपने अवश्य ही सुना होगा, क्योंकि कुमाऊं मंडल की ये बहुत फेमस नदी और प्राकृतिक स्रोतों द्वारा बनी हुई है। गोला नदी प्राकृतिक स्रोतों द्वारा बनी कुमाऊं की तलहटी में एक छोटी सी नदी है, जिसका जलागम शिवालिक पर्वतों पर हल्द्वानी शहर का पूर्वी भाग है। यदि आप ट्रेन से हल्द्वानी जाते हो तो आपको गोला रिवर अवश्य ही पीछे से दिखती होगी। ये है गोरी गंगा रिवर। कितनी खूबसूरत दिख रही है ना ये बच्चों, इसलिए इसका नाम गोरी गंगा रिवर है। इसका जल बहुत ही शीतल और स्वच्छ दिख रहा है। गोरी गंगा गोरीगढ़ उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में एक नदी है, जिसको हम गोरी गंगा के नाम से जानते हैं। अभी हम गोरी गंगा के विषय में बात कर रहे थे और अब है काली रिवर। काली रिवर जो आप देख रहे हैं चित्र में, काली को हम शारदा के नाम से भी जानते हैं। काली नदी पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोरी गंगा, पूर्वी धौली गंगा, लोहावती, सरयू नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। काली नदी विलम ग्लेशियर से निकलने वाली गोरी गंगा से जौल जीवी में मिलती है तथा परमदेव नामक जगह से यह शारदा नदी कहलाती है। अर्थात काली नदी जो है वो शारदा नदी के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में अगले रिवर है कोसी रिवर। कोसी रिवर को तो आप देखकर पहचान ही गए होंगे, क्योंकि ये हमारे काशीपुर से बहुत नज़दीक गिरजा देवी का जो मंदिर है वो कोसी रिवर के ही किनारे पर स्थित है। कोसी नदी का उद्गम स्थान कौसानी और बिनसर की पहाड़ियाँ हैं। इसकी सहायक नदियाँ मिनौलगढ़, सुमालीगढ़, देवगढ़ है। कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है। अगली रिवर का चित्र देख रहे हैं आप, मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर कैसी है नदी? चौराबाड़ी लाल से निकलती है और सोनप्रयाग में काली गंगा तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ये नदी मंदाकिनी रिवर कहलाती है। आप अगली रिवर देख रहे हैं, नंदकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर कौन सी है? नंदाकिनी रिवर पवित्र गंगा नदी की 5 सहायक नदियों में से एक है। शक्तिशाली नदी घुंघाटी से निकलती है और नंदप्रयाग में
मौजूद है। आप देख रहे हो ना कितनी खूबसूरत रिवर है ये। इसका नाम है नंदाकिनी और इससे पूर्व में जो हमने पढ़ी थी वो थी मंदाकिनी। नेक्स्ट रिवर इज नायर रिवर ईस्टर्न, मीन्स नायर नदी पूर्वी। पवित्र उत्तराखंड की एक सहायक नदी है। पूर्वी नायर नदी की लंबाई 94 किलोमीटर है। यह पौड़ी जिले के गढ़वाल के दूधतोली पर्वतमाला से निकलती है। इसको नायर नदी पूर्वी कहा जाता है। यही दूसरी नायर नदी वेस्टर्न, इसे नायर नदी पश्चिमी कहा जाता है। पश्चिम नायर नदी भी उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गढ़वाल के दूधतोली पर्वतमाला से ही निकलती है। पश्चिम नायर को पश्चिम नायर के नाम से जाना जाता है और नदी की लंबाई 91 किलोमीटर है। यह पवित्र गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक नदी है। उत्तराखंड की फेमस नदियों में नेक्स्ट है पिंडर रिवर। पिंडर नदी, जिसे पिंडारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिमालयी नदी है जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। नदी की लंबाई 105 किलोमीटर है। उत्तराखंड की फेमस रिवर रामगंगा रिवर भी है। ये रामगंगा रिवर ईस्टर्न की बात कर रहे हैं हम, यानी कि पूर्वी रामगंगा। नंदकोट चोटी के दक्षिण पूर्व में स्थित नामिक ग्लेशियर पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल जहाँ से वो निकलती है यानी जन्म लेती है। गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा के लिए गौमुख की तरह यानी गाय के मुख के आकार का पहाड़ है जहाँ से वो निकलती है। इस नदी के पश्चिम में छोटा कंठ है, इसे कफनी और सरयू नदी से अलग करता है। ईस्टर्न रामगंगा की तरह एक वेस्टर्न रामगंगा भी है। वेस्टर्न रामगंगा जो है, जिसे कि पश्चिमी रामगंगा के नाम से जाना जाता है, तो रामगंगा पश्चिम नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पर्वतमाला से निकलती है। रामगंगा नदी की लंबाई 155 किलोमीटर है और बेसिन के जलग्रहण क्षेत्र 30,641 किलोमीटर वर्ग है। ये नदी कुमाऊँ हिमालय के दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम की ओर बहती है। रामगंगा जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है। अवर नेक्स्ट फेमस रिवर इज सरयू रिवर। सरयू रिवर का नाम आपने सुना है। सरयू रिवर जो है वो एक हिमालयी नदी है जो उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में बहती है। इस नदी का उद्गम सरमूल है और अंतिम बिंदु पंचेश्वर है। स्थानीय बोली में सरयू नदी को सरजू कहा जाता है। सरयू नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और तल्ला दानपुर क्षेत्र में यह कनालगढ़ में मिलती है। तो आज हमने सरयू नदी के बारे में भी जाना। अवर नेक्स्ट रिवर इज टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर जो है ऐसी नदी है जो हर की दून घाटी से निकलती है तथा कालसी में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये एक सहायक नदी है और छोटी नदी है। आप देख रहे हो ना टॉन्स नदी, लेकिन लगती कितनी खूबसूरत है। इसी प्रकार अगली रिवर है यमुना रिवर। यमुना रिवर का नाम तो सबने सुना हो। यमुना नदी उत्तरकाशी में बंदर पूंछ पर्वत पर स्थित यमुनोत्री कंठा से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? टॉस, हासन, गिरी, कृष्णागाढ़, कमलागाढ़, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा आदि हैं। तो इस प्रकार आज हमने उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में जाना। अब बच्चों आपको गृह कार्य करना है। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के नाम लिखो जिन्हें हमने आज जाना है। नदियों के मुख्य स्रोत अपनी आवास पुस्तिका में लिखो। मुख्य स्रोत जहाँ से नदियाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं वो लिखना है। अपनी तहसील के निकट बहने वाली नदी का नाम लिखो और चित्र बनाकर रंग भरो। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का।